नहीं अफरान साहब, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज, ये जो कुछ भी आप उसके साथ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं गलत कर रहा हूं? शानी, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। बेहतर होगा तुम यहां से अभी इसी वक्त चले जाओ। आप उसके साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा ना कीजिए। यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे ये बात कह रहे हो शानी। मैं गलत कर रहा हूं रमशा के साथ? तुम जानते ही क्या हो कि हम दोनों के दरमियान कौन सी गलत फहमी ने जन्म ले लिया। और गलत तो तुमने किया था उसके साथ। भूल गए कितना जुल्म, कितनी ज्यादती की थी तुमने रमशा के साथ? आज यहां आकर किस मुंह से मुझे कह सकते हो कि मैं उसके साथ गलत कर रहा हूं, जबकि तुम तो कुछ जानते ही नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, मैंने जो उसके साथ किया उसकी सजा तो मुझे मिल रही है और मैं पछता रहा हूं। कि मैं चाहता हूं कि जो गलती मुझसे हुई वो आप ना करें। पछता तो मैं भी रहा हूं शानी, से मोहब्बत करके बचता रहा। हमेशा उसकी हिफाजत करके बचता। उसको अपनी इज्जत बनाकर इस घर लाने पे बचता रहा। मुझे मेरी मोहब्बत के बदले में क्या मिला? सिर्फ पछतावा। यहां सवाल तुम्हारा तो, अगर तुम इतना ही पछता रहे हो और तुम्हारे दिल के किसी भी कोने में ऐसी कोई ख्वाहिश है शायद मैं रमशा को छोड़ दूं और वो वापस तुम्हारे पास आ जाए, तो भूल जाओ शानी। मैं आज भी रमशा से उतनी ही मोहब्बत करता हूं। तब करता था जब तुम उस पर जुल्म ढाते थे। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रमशा को नहीं छूंगा। बेहतर होगा तुम यहां से चले जाओ,
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आज एकेडमी में तुमसे कोई मिलने आया था? नहीं तो क्यों? हाँ वो क्योंकि मैं सोच रहा था कि तुम्हारे रिश्तेदार तो घर मिलने के लिए आते हैं, तो हो सकता है तुम्हारी एकेडमी मिलने के लिए कोई ना कोई रिश्तेदार आया। से कोई भी मिलने नहीं आया था अफ़नान। वैसे भी अब इस दुनिया में मेरा कोई भी अपना नहीं, इसलिए किसी के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ रमशा की बात कर रहा हूँ। क्या बातें कर रहे थे तुम इसके साथ? तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? दोस्त है वो मेरी, मेरी मर्जी में ऐसा जो कुछ भी कहूँ। क्या दोस्त है वो तुम्हारी? दोस्त है वो? दोस्त से बढ़कर है वो मेरी। तुम्हें क्यों बताऊं? अपने काम से काम रख, समझा? जी मैंने सुबह से काफी दफा उसके नंबर पे कॉल की है लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा है। अनी कहाँ चली गई है? भाग गई अपने आशिक के साथ। चुप हो जाओ तुम। वैसे हैरत भी हो रही है और तेरे लिए थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है मुझे। इस बात पे कि मुझे लगा कि शायद सिर्फ तू ही उसका एक आशिक। लेकिन और भी हैं यहां तो।